बहुत सारे लोग लगातार एक सवाल पूछते रहते हैं, कोई फ्रूट्स बता दो, कोई खाना बता दो, कोई ड्राई फ्रूट्स बता दो, सेक्स के लिए, सेक्स पावर के लिए, कमजोरी है, टाइम का प्रॉब्लम है, मन नहीं करता। तो इस तरह की जो चीजें बहुत कॉमन है, और ये सब होता इसलिए कि एक टाइम के बाद इंसान दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, एक मैकेनिकल लाइफ हो जाती है पार्टनर के साथ। और हम एज ए हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी हम सेक्सुअल पार्टनर जब होते हैं, एक टाइम के बाद हम थोड़ा सा ग्रांटेड भी लेते हैं चीजों को। तो जरूरत इस बात की है कि थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, रिफ्रेश करने की जरूरत है, कुछ नएपन की भी जरूरत है। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ फूड, कुछ फ्रूट्स, कुछ मेडिसन्स मदद करती हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि आप पहले अपने नेचर को समझें, अपनी प्रॉब्लम को समझें, और उसके बाद ये चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दें। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि नेचर ने हमें कुछ ऐसे फल दिए हैं, फ्रूट्स दिए हैं, कि जो आपकी प्रॉब्लम को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा नेचुरल सोर्स है हमारे पास, जिससे कि आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, स्टेमिना मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, आपकी थकान दूर होगी, मेंटल एनर्जी आपको आएगी, सेक्सुअल एनर्जी आपको आएगी। तो ये आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, ये नेचुरल है, इनका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये फूड का एक हिस्सा है, और ये फूड में आपको आ जाए तो ये काफी अच्छी एनर्जी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल जाता है, मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, और शुगर, एक नेचुरल शुगर मिलता है, क्योंकि देखो सेक्स को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी भी चाहिए और शुगर भी चाहिए। यदि लो शुगर किसी इंसान का होता है शुगर के सेक्स के दौरान, तब भी वो इंसान सेक्स को एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि आप टायर्ड महसूस करते हो। यदि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, या शुगर की डेफिशिएंसी है, तीन डेफिशिएंसीज कॉमनली कंट्रीब्यूट करेंगी आपको। मिनरल्स की डेफिशिएंसी, जिसमें कि जिंक और आपका मैग्नीशियम है, शुगर की डेफिशिएंसी, ब्लड शुगर, और तीसरा आपको विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी। यदि ये आपको बनी हुई है, तो फिर आपको वो एनर्जी, स्टेमिना आपके पास नहीं आएगा, आप नो मैटर आप कुछ भी कर लो। इसके बाद है आपको कि भाई कौन से ऐसे मतलब फ्रूट्स हैं या ऐसे कौन से खाने हैं। सबसे अच्छी जो चीज है वो है फिश आप खाइए, और सलमोना जो फिश होती है ये बहुत ही अच्छी है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, बहुत अच्छा प्रोटीन है और बहुत अच्छा फैट है। ये सेक्स एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए आप ऐड कर सकते हैं। तरबूज, वाटरमेलन खाओ आप, वाटरमेलन को हम नेचुरल वियाग्रा कहते हैं, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। इसके बाद है आप अवाकाडो, ये एक बहुत अच्छा फ्रूट्स है, जिसमें कि आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, इज ए कंप्लीट फ्रूट्स फॉर योर हेल्थ। पंपकिन सीड आप खा सकते हैं, पंपकिन सीड से भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है और बहुत अच्छा फैट मिलता है। इसके बाद है आप ब्लूबेरीज खा सकते हैं, दैट इज अ गुड फॉर योर शुगर, इसमें नेचुरल शुगर आपको मिलेगा, ये एनर्जी का एक बेस्ट सोर्स होता है। जो लोग पतले हैं, जिनको थकान बहुत ज्यादा आती है, वो बनाना ले सकते हैं, और वो एक स्ट्रॉन्ग कॉफी ले सकते हैं, मतलब सेक्स को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि सेक्स को स्टार्ट करने से पहले एक मूड चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, एक स्टेमिना चाहिए, जिसपे कि हम जनरली फोकस नहीं करते हैं, उस पर भी हमें फोकस करना होगा, तभी हम उस इंटीमेटेड जो हमारा रिएक्शन है उसको हम बेटर कर सकते हैं, एंड वी कैन परफॉर्म बेटर सेक्स। तो ये कुछ नेचुरल चीजें हैं जो आप अपने फूड में इंक्लूड करिए, एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच, एंड टेक केयर योर सेल्फ।